अरे ये गाजरों के साथ क्या कर रही है बिटिया? हलवा बना रही हूँ। लेकिन मीठा तो हमने बना लिया है। कोई बात नहीं, मुझे बेगम साहिबा ने कहा है गाजर का हलवा और शामी कबाब बनाने को। अब अपना काम खत्म कर ले, मैं बना लूंगी। ये हाँ, हमारा तो तकरीबन काम खत्म हो गया, बस बिरयानी को दम देना है। ये आप हमें दे दें, हम छीन लेते हैं। अरे नहीं नहीं रहीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं कर लूंगी। आप सैलेड बनाएं। अच्छा, बाबा कबाब और खीर तुमने बनाई है? जी तब आओ ना हमारे साथ खाना खाओ। नहीं, आप लोग खाएं, मैं बाद में खाऊंगी। मीना, बहुत ज्यादा रिसर्च चढ़ा लिया तुमने इस लड़की। वो हमारी मेहमान है अम्मी, और वैसे भी आप लोगों ने इतने सारे काम डाल दिए बेचारी पर। मेहमान ना एक दो दिन का होता है, जो डेरा जमा लेता है उसको मेहमान नहीं बोलते। अंदाजा है कितने दिनों से पड़ी हुई है यहाँ पे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, बेचारी अकेली है यहाँ पे। आप लोग बिला वजह फजूल लोगों के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा तुम ये बताओ, अब तो नहीं ना जाओगे? नहीं अम्मी, नहीं जाना वापस। और वो लड़की? अम्मी मुझे चैन से खाना खाने दो। अच्छा बाबा खाओ, नाराज क्यों हो रहे हो? अभी तो वो आया है, उसको चैन से खाना खाने दो, आराम कर ले फिर बात करना। ताबा कहाँ चली गई? ताबा, ताबा जी, अरे कहाँ चली जाती हो, यहाँ रहा करो ना। तुम्हें पता है ना किसी चीज की जरूरत हो सकती है, जाओ गरम चावल लेकर आओ। बिल्कुल ही नौकरानी बनाकर रखा हुआ है उसे। तुम खाना खा चुके? जुहेर भाई, मैं आपको कराची बिल्कुल जा रहे नहीं। अरे नहीं जा रहा आप कराची यार। अरे वाह, आपके तो इरादे बिल्कुल ही बदल गए। और वैसे भी कराची में रखा ही क्या है सिवाय बेहस बेवफा लोगों के। बड़ा तजुर्बा लग रहा है तुम्हारा जोनी। आप लोग कैसे रहे मेरे पीछे? बहुत बुरे, आपके बगैर दिल ही नहीं लगता। वहां क्यों खड़ी हो, इधर आके रखो ना चीजें। तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कबाब तो चखे नहीं। बस खा लिया। अच्छा खीर ही खा लो थोड़ी सी, मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। इतने अरसे के बाद घर वापस आए और खाना इतना थोड़ा सा खाया। था तो बाद में खा लूंगा, भूख नहीं। इस लड़के का मूड भी ना बस।